जी तो रास्ते में स्टे है जी, देख लें जी। जी तो टिकट भी ले ली है, देख लें। मैं आपको तफसील अभी बताता हूँ, मैं देख लें। इस चीज़ को तो आप जानते होंगे, जो सऊदी में मेरे भाई बसे हुए हैं सबको, तो यानी कि नकल जमाई जी। तो ये सामान रखा जा रहा है जी नकल जमाई में, देख लें आप। एक वैसे मेरा दिल करता है कि उठ के ना फकी मंजन वेचन लग पवा, दर्द दर्द सिर दर्द गिटा दर्द हर एक दी दर्द की दवाई जी। तो ये सबिया पहुंच चुका हूँ मैं, यहाँ से नकल जमाई लेंगे तो फिर आगे निकलेंगे। मैं आपको मुकम्मल टूर दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे हुजिये से अंदाज़ा कर लीजिए, ये पीछे मैंने हैंडगन ही डाला हुआ है, यानी कि अपना लैपटॉप वगैरह इसमें रखा हुआ है। ये टिकट भी मैंने अभी ले लिया है, देख लें जी सबको नकल जमाई से, ठीक है। तो अभी मैं वेटिंग रूम में हूँ, जो भी टाइम की सूरत हाल है उससे भी आपको अपडेट करता हूँ मैं। यहाँ पर टूर के मतलब आपको बता दूँ, मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ जी अभी जजान टू जद्दा, यानी कि जजान से थोड़ा हटके है सबिया। मैं आया तो वैसे आगे से हूँ, टॉप ऑफ द फीफा से, जिसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है मैंने काफ़ी। तो वहाँ से सबिया पहुँचा हूँ, अभी मैं सबिया से टिकट ली है, नकल जमाई आएगी जजान से। तो हम सबिया से बैठेंगे और जाएँगे जद्दा के लिए। तमाम तर तफसील यानी कि जो भी नकल जमाई की सूरत हाल होगी, रस्ते के जो व्यू होंगे, आपको एक मुकम्मल यार भाई टूर करवा दूंगा मैं इस रोड का। फतूर 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 समझ आ गई है जी। मैं नाश्ता ढूंढ रहा था अभी, ये एक मकाम मुझे मिला है नकल जमाई के साथ था। मैंने बोला इधर से लेता हूँ, अंदर से क्या लेंगे, चलो कुछ फ्रेश वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बंद है जी, उधर से भी घूम आया हूँ बंद है। तो अभी अंदर से लेते हैं जो कुछ भी मिलेगा जी। तो नाश्ता लिया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देख लें, एक ये मिला और एक साथ में चाय ले ली है और एक साथ में पानी ले लिया है। तो ये कंटीन है जी नकल जमाई वालों को खुद से। तो ये मिला है हमें, मुझे 2 रियाल की शाही, हालांकि बाहर से 1 रियाल की मिलती है। तो ये जो केक मिला है ये भी देख लें आप, ये भी 2 रियाल का दिया है, लेकिन शायद ये 2 रियाल का हो, पानी तो 1 रियाल का ही दिया। तो बाहर से नाश्ता नहीं, अंदर से इधर से मिला है। तो अभी मैं आपको टिकट के मतलब थोड़ी ये तफसील बता देता हूँ मैं, जो भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं इन इलाकों से तो कितने की आपको मिलेगी और क्या हिसाब है जी। तो ये टिकट है जी नकल जमाई की, मैं आपको थोड़ी डिटेल इसके मतलब बताना चाहता हूँ, यानी कि जो प्राइस वगैरह हैं अगर आप यहाँ से टिकट लेते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से है। अभी एक बस आई है जी, वो गई है जी अबहा की तरफ, तो हमारा टाइम है जी 11:30 बजे का। तो इस मैं यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें दिखा दूँगा। एक तो ये देख लें, इशू डेट है जी 19/11/2021 आज की, और एक्सपायरी डेट है इसकी 17/5/2022, ठीक है जी। ये इतनी देर चल सकती है ये टिकट, कोई मसला नहीं है। उससे नीचे लिखा हुआ जी देख लें, जो इसकी कीमत है, टिकट अमाउंट है जी 144.35 रियाल, ठीक है। और कीमत ज़रबिया यानी कि वैट टैक्स अमाउंट, वैट टैक्स जिसे बोलते हैं, वो देख लें, वो 21.65 रियाल है जी, ठीक है। 21.65 रियाल टैक्स इसके साथ लगा हुआ है, और ये होगी है जी 166 रियाल की। तो टोटल 166 रियाल में जी ये आप जजान सबिया वगैरह से अगर जद्दा का सफ़र करते हैं। तो अभी बस का इंतज़ार हो रहा है, बस वही इंतज़ार कर रहे हैं, जब आएगी तो फिर आपको आगे डिटेल बताऊँगा जी। तो वेटिंग रूम में इंतज़ार है जी नकल जमाई का, और ये एक भाई बैठे हुए हैं साथ में। अच्छा, इसे मैं अभी गपशप जा रही है मेरी, ये जा रहा है, किधर जा रहे हो? हाली में जा रहा है जी, थोड़ा नज़दीक जी, तो हाली में जा रहा है। बाकी मैं ना इसकी वीडियो थोड़ी डिटेल के साथ आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगा, ये काम वगैरह क्या करता है, क्या सूरत हाल है। इधर ही बैठ जाते हैं जी। जी तो नकल जमाई में मैं बैठ चुका हूँ, और एक अकेला मुसाफिर था मैं यहाँ से सबिया से। तो अभी ये जद्दा के निकलने लिए निकलने लगी है, तो मैं आपको रास्ते का थोड़े टूर वगैरह दिखाता जाता हूँ। तो देखते हैं जी फिर जो भी मामला हैं रास्ते के, यानी कि जी। तो ये सबिया है जी, यहाँ से हम चले हैं। तो अभी ये मेन द्वार है इसका, माशाल्लाह, अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मद बिन सलमान एंड सलमान एंड सलमान का भाई और उसका बेटा, तो शुगा मखदूमा फंदक किनाज़,
होटल। तो इसी रोड के ऊपर मैं आपको अभी एक चीज़ अमेजिंग किस्म की आगे दिखा देता हूँ मैं। और नकलज भाई का भाई टिकट लेने का मेरा मेन मकसद यही था कि ये टूर एक बहुत ही अच्छा किस्म का बनेगा, क्योंकि टैक्सी में आपको पता है जी वो कहीं रोकते हैं कहीं नहीं रोकते, नकल जमाई में ये स्टे भी करते हैं और आपको स्पेस भी काफ़ी मिल जाती है। जैसा कि देखने साथ वाली सीट भी खाली है और मैंने यहाँ पर अपना लैपटॉप वाला बैग रखा हुआ है, बाकी जो बैग वगैरह थे वो मैंने नीचे गाड़ी में जो आपको दिखा दिया यार बॉक्स के अंदर जमा करवा दिए। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो शायद अभी हाँ आ चुकी है जी, अभी आपको दिखाता हूँ भाई मैं। तो अब ये थोड़ा ना आउट ऑफ सिटीज़ हैं ये सबिया वगैरह यमन की तरफ, तो भाई जो पुराने यहाँ पर मुकीम हैं उनको वो तो जानते होंगे इन शहरों के मतलब। तो बहरहाल मैं आपको इसका भी थोड़ा टूर साथ में करवाता जाता हूँ। तो ये यू टर्न है जी, यहाँ पर यू टर्न के ऊपर ही शुरता खड़ा हुआ है, देख ले। पहले तो आप ये देख लें कुलशी खमसा, ये 5000 वाली मार्केट है यहाँ पर बड़ी, और इसका भी विज़िट कर चुका हूँ मैं और इसकी वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। इससे आगे जो मेन चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो ये है जी डोमिनोज, और ये एक बहुत मार्केट्स एबल यहाँ पर देख रही तजारती मरकज़ बोल रहे हैं इसे। ये सामने वो सामने हैपर बंडा है, साथ में सिटी मैक्स वगैरह, यहाँ ताज़ ब्रोस्ट, यहाँ पर अलबेक, और देख रहे अलबेक अकेला बना हुआ है इसमें, और सबिया में भी अलबेक है जी, लेकिन वो यहाँ से आपको भाई नगर से मिलेंगे, ब्रोस्ट वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये सबिया से हम निकल चुके हैं, अभी आगे चलते जाएंगे, मुख्तलिफ शहर आते जाएंगे, आपको उनका भी विज़िट करवाता जाऊँगा जी। तो तरफ पहुँच चुके हैं जी, इस तरफ ये तरफ का बाईपास इसे बोल रहे हैं आप, तो ये द्वार है जी तरफ का देख लें माशाल्लाह, ठीक है। आगे तरफ शहर में इंटर होंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे, तो दरब बाईपास से इस तरफ जाता है, ये इंट्री है जी दरब की तरफ। तो बहरहाल वो सामने एक व्यू है जी, आपको दिखाता हूँ मैं अभी थोड़ा जूम करके, माशाल्लाह एक बंदे ने डेरा वगैरह अपना बनाया हुआ है देख लें जी, साथ में उसने खजूर बनाई हुई है, काफ़ी खूबसूरत है दरब सिटी, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। मैं देख रहा हूँ इस तरफ मार्केट काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर ये रुकने वाले हैं जी शायद, इनका हर स्टॉप में एक अड्डा होता है, तो उस उधर रुकते हैं कुछ मुसाफर वगैरह उठाने के लिए। तो बहरहाल काफ़ी खूबसूरत लगा है मुझे शहर यार दरब। दरब में उथीम मार्केट भी है जी देख लें, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये मुझे यार काफ़ी इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा शहर मुझे लगा और खूबसूरत है। इसे आगे देखते हैं जी कौन सा आता है और फिर आपको मैं दिखाता जाऊंगा। तो देखना जी माशाल्लाह खूबसूरती, यहाँ से शुकेक शुरू हो चुका है, ये भी सऊदी अरबिया का एक शहर है छोटा सा, ये इसी रोड के ऊपर आता है और काफ़ी खूबसूरत है। मैं आगे आपको थोड़ा शहर का विज़िट भी करवाता हूँ जी। तो यहाँ पर देखना जी समुंदर साथ साथ चल रहा है, तो शहर आ चुका है, आगे एक और मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह। अच्छा मैंने जब आपके साथ ये टूर शेयर किया था ना जद्दा टू जज़ान, उस टाइम भी आपको मुकम्मल डिटेल बताई थी, लेकिन अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये देख लें शहर कौन सा है, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख लें ठीक है अलबिर्क, तो ये बोर्ड लगा हुआ है बल्दिया की तरफ से, आगे सिटी शुरू हो चुका है ये। यहाँ पर देख लें कुछ कश्तियाँ खड़ी की गई हैं क्योंकि ये बिल्कुल साहिल समुंदर के ऊपर है, तो यहाँ से समुंदर शुरू हो जाता है जी बिल्कुल साथ साथ। तो आप देख लें ये बिल्कुल इस तरफ साथ में समुंदर है, तो समुंदर के साथ साथ ये बिल्कुल रोड है जी। तो समुंदर देख लें यहाँ पर बिल्कुल रोड के साथ साथ चल रहा है देख लें माशाल्लाह, और ये बीच बनाई गई है बहुत खूबसूरत किस्म की, और ये बिल्कुल रोड के साथ है इधर से, तो काफ़ी लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको एक किलोमीटर मिलेगा, ये 5 से 10 किलोमीटर ऐसे चलता है जी बिल्कुल रोड के साथ साथ। इस तरफ से समुंदर उस तरफ जा रहा है यानी कि घोल रहा है, तो ये एक पॉइंट है जी, व्यू पॉइंट है, जब आज से गालबन 8-9 माह पहले में आया था उस टाइम इधर रुके थे, ये देख रही ये सियाहों के लिए एक व्यू पॉइंट बनाया गया काफ़ी खूबसूरत है, ये कश्ती देख लें आप। तो ये मुहत्ता वैसे बंद है तो इधर मछली वगैरह भी हमें आम मिल जाती है। तो यहाँ पर रुके हैं जी, वो ड्राइवर ने बोल दिया एक कि आधे घंटे का वक्फा है जी, आप खाना खाएं जी। तो ये लिया है जी नुस बिरयानी मैंने इधर से,
बिरयानी की कंडीशन देख ली है, ये 3 बोटियाँ छोटी छोटी और कोई इतनी स्पेस भी मुझे नहीं लगी है, और 12 रियाल की है जी ये एक नफ़र की। तो पाकिस्तानी है जी ये मताम वाले, अभी मैं क्या नाम इनका बताऊंगा, तो बहरहाल काम देख लें इनके जी। तो खाना खा के निकले हैं जी, खाना खाते गाड़ी निकल पड़ी थी, अभी देख लें ये एक सिटी है रास्ते में गुनफिदा, तो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये भी एक मॉल वगैरह बन रहे हैं, तो छोटा सा शहर है, शहर के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा यार। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं गुनफिदा, तो बाकी आगे देखते हैं जी फिर। और जी तो ये एक जगह से गुजर रहे हैं, मैं ना जब आज से 8-9 माह पहले मैं इधर आ चुका हूँ पहले भी, तो उस टाइम भी एक दोस्त के साथ था, तो उस टाइम ना हम ये आप देख लें ये हाशी बाशी ये जो मंदी है, तो इधर से हमने उस टाइम शाम का जो खाना है इधर से खाया था। तो बहरहाल ये शहर है जी छोटा सा, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगा है मुझे, और व्यू काफ़ी अच्छा है इसका, तो देख लें माशाल्लाह जामिया मस्जिद यहाँ की, तो अहली वालों को NCB अहली बैंक भी है यहाँ पर, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है सऊदी अरब के शहर सब के सब भी भाई खूबसूरत हैं। तो बहरहाल आगे चलते जा रहे हैं, बेस जो मेन चीज़ है वो तो जद्दा आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। जद्दा में अभी मेरा कुछ इरादा है कुछ दिन क्याम करने का, तो जद्दा में रहूँगा, आपको जद्दा के कुछ सैर व तफरी कुछ नज़ारे करवाऊँगा। एक जगह से गुजर रहे हैं इस शहर में, मैं देख रहा था यहाँ से अलबेग दिखाई दे रहा है, शायद मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन जो इंट्रेंस गेट है वो देखने कितना खूबसूरत है जी। तो शाम हो चुकी है, सूरज देख लें, अभी जैसे सूर्य ग्रूब होगा मैं आपको वो सीन भी दिखाऊंगा, तो शहर मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा ये भी। तो आगे आगे व्यू देखते जाए माशाल्लाह। किया है जी आधे घंटे का तो नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं 15-20 मिनट का स्टे है, तो बसें देख लें कितनी खड़ी हुई है माशाल्लाह। तो बोलते हैं वाशरूम वगैरह अगर आपने जाना है या कुछ चीज़ लेनी है तो ले लें। ये मताम है जी, मताम वालों ने सेटिंग वेटिंग की हुई है, देख लें माशाल्लाह जी। एक तो ये भी मुसीबत है ना, ये लैपटॉप जो वाशरूम जाना है तो ये साथ लेकर जाना है, कहीं खाने के लिए जाना है अंदर तो साथ लेकर जाना है। आपको पता है ऐसे मताम वगैरह पर रुकते हैं तो फिर चोरियाँ वगैरह आम हो जाती हैं। अभी रात होना शुरू हो चुकी है जी, तो सूरज ग्रूब हो चुका है, हम चले हैं अभी जद्दा से ही। मैं आपको फिर जद्दा पहुँच कर यानी कि कुछ मनाजर दिखाऊँगा, क्योंकि रास्ते के व्यू तो अभी क्या दिखाई देंगे जब अंधेरा हो जाएगा जी। तो जद्दा इंटर हो चुके हैं जी, देख लें आप ये फुटबॉल स्टेडियम जद्दा का। तो सबसे पहले तो आपको जद्दा के ग्राउंड के दिखाता चलूँ मैं, ये बाहर इसकी LED वगैरह चल रही हैं, तो काफ़ी बड़ा है ये फुटबॉल स्टेडियम जद्दा। तो अभी आगे मैं आपको कुछ जद्दा के व्यू दिखाता हूँ। अभी लास्ट पर पहुँच चुके हैं, सामने जद्दा कॉर्निश है जी, जद्दा का फुवारा इस तरफ चल रहा है, वो देख लें शायद आपको, यार रात का टाइम है अभी, लेकिन ये बिल्डिंग जद्दा कॉर्निश के ऊपर है जी बिल्कुल जी। तो अभी पहुंच चुके हैं जी, मैं नीचे उतरने लगा हूँ ये नकल जमाई से, तो देख लें जी अभी सामान वगैरह निकालते हैं इधर अंदर से, तो फिर आगे टैक्सी लेते हैं। ये आपके भाई का सामान जी, और इस तरफ सैपको, ठीक है जी, ये जद्दा का सैपको का ऑफिस है, आप बोल रहे हैं अड्डा बोल रहे हैं, बसें देख लें कितनी खड़ी हुई हैं, तो अभी बाहर निकलेंगे इधर से। तो ये बाहर के मनाजर देख लें, नकल जमाई लोलो एक्सप्रेस यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ उन लोगों ने, तो ये नकल जमाई है इस तरफ, तो इस तरफ रश लगा हुआ ही बाहर आवाम का, देख लें सामने शुरता भी खड़ा हुआ है, बाहर निकलते ही शुरता मिल गया। मैं अभी आपको एक किस्सा सुना दूँगा रास्ते में जो पेश आया वो भी।